पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पारस मामरे ने युवा क्रिकेटरों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आपके करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको उनसे निपटने का तरीका खोजना होगा। असफलताओं से सीख लेकर कड़ी मेहनत करें ताकि अगली बार आपके प्रयास सफल हो। 2024 T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मामरे वीसीए के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में क्रिकेटरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने और निष्पक्ष खेलने की सलाह दी है। वीसीए द्वारा 8.5 लाख रुपए के 70 से अधिक पुरस्कार और नकद पुरस्कार वितरित किए गए। वीसीए अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनय देशपांडे ने ब्राह्मी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वीसीए अध्यक्ष ने ब्राह्मे को चांदी की थाली भी भेंट की, जिनके नेतृत्व में भारतीय तेज गेंदबाजी लाइनअप मजबूत हुई है। जूनियर पुरुष वर्ग में चौधरी को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और प्रथम माहेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला। जूनियर महिला वर्ग में सायली शिंदे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और युवा यशश्री सोले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से सम्मानित हुई। सुदर्शन थूल को 2023-24 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड मार्कर का पुरस्कार मिला। इस मौके पर वीसीए की क्रिकेट प्रशासन एवं विकास समिति की अध्यक्ष प्रशांत वैद्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश देशमुख, सचिव संजय पड़कस, संयुक्त सचिव चंद्रकांत मानके, कोषाध्यक्ष सीए अर्जुन पाठक, एडवोकेट आनंद देशपांडे, नितेश उपाध्याय और समीर मौजूद थे। वीसीए अध्यक्ष ने विदर्भ के उभरते क्रिकेटरों के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए ब्राह्मण की सराहना की और उनसे इससे सीखने का आग्रह किया। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि एसोसिएशन उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से उनका समर्थन करना जारी रखेगा। नहीं, कोशिश यही रहती है कि उनकी ऐसे कोई पर्सनालिटी को लाए जिनका इंडियन क्रिकेट के ऊपर प्रभाव रहा है, और हमने सोचा कि पारस जुड़ा हुआ भी था हमसे विदर्भ क्रिकेट से, और एक अप्रोप्रिएट व्यक्ति लगा कि जो आके बच्चों को गाइडेंस मिले उसके प्रेजेंस से। और मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो भी आज जो चीज़ें जिस तरीके से फंक्शन हुआ है, यंगस्टर जो है उनको इंस्पायर करेगा और इंकरेज करेगा और अच्छा करने के लिए। काफ़ी हमने देखो पिछले 4-5 साल से देखिए तो हमने स्कूल क्रिकेट के ऊपर काफ़ी हमने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि स्कूल क्रिकेट जो अपने डिस्ट्रिक्ट में चालू की उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि काफ़ी यंगस्टर्स वहाँ से जूनियर क्रिकेट में आए हैं। फिर हमने T20 डिस्ट्रिक्ट लीग चालू की, वहाँ से काफ़ी हर साल एक दो नए लड़के आते हैं उसमें से, जो कि सीनियर लेवल पे कॉम्पीट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स और जितनी ज़्यादा आप फैसिलिटी दोगे, नेचुरली उतनी एनकरेजमेंट मिलेगा, उतना टैलेंट आगे बढ़ेगा, उतना पूल बड़ा होगा प्लेयर्स का। कोशिश वही रही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो क्रिकेट सिटी में होता है अपना उतना ही क्रिकेट, वैसे ही क्रिकेट हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ये कोशिश रही है कि जिससे कॉम्पिटिटिव और एटमोस्फेयर बने। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।